सर ने कहा कि आपकी ख्वाहिश थी कि पटना से इसकी शुरुआत हो, आज पटना से शुरुआत हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, मीडिया लोगों के लिए और स्कूल के लिए क्या कहिएगा? जिंदगी आपको घर से मिलती है और मौत तक आकर सिमट जाती है, तो आपको बड़ा करने वाले भी आपके घर वाले ही होते हैं और जलाने वाले भी घर के लोग ही होते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में मेरे प्रांत का, मेरे जिला का, मेरे बिहार का, मेरे यूपी का, मेरे भाषा का बहुत ज़्यादा योगदान है। नहीं तो सब लोग, मुझे नहीं लगता कि यहाँ जितने लोग आए हैं सब मेरे जीवन के बारे में जानते हैं। कोई ऐसा नहीं होगा जो मेरे जीवन के बारे में नहीं जानता। एक गांव से उठ के आप सबके बीच में अगर मैं कुछ बोल पा रहा हूँ तो ये भी पावर आप सबने ही दिया है। ऐसा नहीं कि सब लोग बचपन से पत्रकारिता करते हैं, कहीं ना कहीं सब लोगों ने गांव से उठ के यहाँ तक पहुँचे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि गांव की जो भाषा होती है, जो गांव का परिवेश होता है, जो गांव की कष्टें होती है, चाहे वो भैंस चराना हो या दूध बेचना हो, तो सबके अपने जीवन में एक संघर्ष है। और मुझे लगता है कि यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चे को मोबाइल खेलने के लिए देते हैं, बताएंगे? एक बार ईमानदारी से बताइए। ये वही सारे लोग, इस संघर्ष की भी वही कहानी है कि आज हमारे बच्चे मोबाइल से ज़्यादा कनेक्ट हैं अपने माँ बाप से बहुत कम, क्योंकि उनको माँ बाप का प्यार बहुत कम चाहिए, उनको मोबाइल चाहिए। वो आते ही अपने पापा ड्यूटी से आते हैं तो पापा से मोबाइल मांगता है, पापा की गोद में नहीं जाता। और इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने बच्चे को संघर्ष जरूर दिखाइए कि मोबाइल से वो इतना कनेक्ट हो गए हैं कि कहीं ना कहीं हमारे प्यार और हमारे संस्कार से वर्जित हो गए। और हम लोगों ने उसी बेस पे कहानी को किया है कि संघर्ष का मतलब ये नहीं होता है गरीबी, संघर्ष हर चीज़ के लिए किया जा सकता है। शादी के लिए संघर्ष, तो बेटा के लिए संघर्ष, बच्चों के लिए संघर्ष, खाना खाने के लिए संघर्ष, कहीं ना कहीं कहीं जाने के लिए संघर्ष। तो संघर्ष का मतलब यही होता है कि जीवन अगर संघर्ष नहीं है तो जीवन का कोई मोल नहीं है। इसीलिए आप लोग संघर्ष ढूंढो, आप अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ देखेंगे तो शायद किसी भी हद तक आप अपने बच्चे से कनेक्ट हो पाएंगे और आपका बच्चा भी कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट हो पाएगा। तो सिनेमा का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ आपको गाने भर दिए, इंटरटेन कर दिए और उससे हमें कुछ सीखने को ना मिले। इसीलिए हमने कोशिश किया है कि संघर्ष टू को, एक संघर्ष वन भी थी जिसमें एक बेटी को, एक गरीब बेटी को IPS बनाया जाता है। हम लोगों ने संघर्ष वन भी किया था तो उसका कहानी ऐसा ही था कि पिता को बेटा चाहिए और बेटी पैदा होती है और उसको घर से निकाला जाता है, निकाल देता है बाहर। और निकालने के बाद ये होता है कि उसी डिस्ट्रिक्ट में वही लड़की जिसके वजह से घर से निकाला गया था हीरो को, वो बेटी कलेक्टर बन के आती है। तो हम लोगों ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का एक अभियान था वो हमारा। लेकिन ये अभियान सिर्फ एक बेटी के लिए नहीं है, उस हर बच्चे के लिए है जो बच्चे आजकल हमसे दूर हो गए, मोबाइल से कनेक्ट हो गए। मैं अपनी भी बातें कर रहा हूँ, मेरे भी दो बच्चे हैं, जब मैं जाता हूँ तो सबसे पहले उनको मोबाइल ही चाहिए। लेकिन जब मैंने संघर्ष की कहानी की उनको बताया तो आज मेरे बच्चे मेरे से मोबाइल नहीं मांगते हैं। जितना दिन मैं अपने बच्चों के साथ रहता हूँ वो मेरे गोद में रहते हैं और मैं उनसे खेलता हूँ ताकि मेरे भावनाओं को समझ सके। आप अपने जीवन के रास्ते को अपने बच्चों को बताइए और हम लोगों ने संघर्ष में यही बातें रखी है ताकि कोई भी माँ बाप अगर अपने बच्चों के साथ इस सिनेमा को देखेगा तो कहीं ना कहीं अगर करोड़ों बच्चों में से अगर 5,000 भी बच्चे अगर सुधर गए तो अपने राज्य का, अपने देश का भविष्य बच गया। क्योंकि हम अपने बच्चों को संस्कार से इतना दूर कर दिए हैं कि आने वाला पीढ़ी हमारे लिए विधा असहनीय बनेगा, क्योंकि हमने कभी अपने जीवन के बारे में अपने बच्चों को बताया ही नहीं, हमने उनको वक्त नहीं दिया जबकि हमें देना चाहिए, क्योंकि हमने मोबाइल दिया। मोबाइल देकर हम भी सोचते हैं जैसे चले यार खेल उधर क्यों टेंशन दे रहा है, ये काम है वो काम है, तो बात यही है। और हम लोगों ने संघर्ष को उसी के लिए प्रयुक्त बनाया है कि कम से कम हमारे राज्य के बच्चे या हमारे देश के बच्चे मोबाइल से दूर हो गए
कम से कम अपने माता पिता के पास रहें और माता पिता के जीवन की बातें समझ सकें, इसीलिए हम लोगों ने संघर्ष को बनाया है। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सदियों बाद कोई बेहतर चीज़ें बनती हैं, अगर आप सब मिलकर इसको सपोर्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि हम भी एक बेहतर दिशा में काम करने की कोशिश करेंगे। आदमी का मनोबल कब टूटता है? जब अच्छा चीज़ करने के बाद भी उसको तारीफ नहीं मिलती। आप ही हैं, अगर अच्छा न्यूज़ बनाते हैं, अगर हम आपकी तारीफ नहीं करेंगे तो फिर आप न्यूज़ बनाना छोड़ देंगे या बेहतर न्यूज़ की तरफ नहीं जाएंगे। आपके बेहतर न्यूज़ का अगर व्यूअर नहीं आएगा तो आप बोलेंगे, अगर आप राम की चर्चा करते हैं और कोई आपका न्यूज़ नहीं देखेगा तो आप राम का चर्चा करेंगे? नहीं करेंगे। तो कोई भी दुनिया का आदमी जब बेहतर करता है तो आप सबका भी दायित्व बनता है, क्योंकि पत्रकारिता जो होती है, ये मीडिया जो होता है, ये समाज का तीसरा आईना है। आप सब जितना बेहतर लिखेंगे इसके लिए उतना ही बेहतर लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि खेसारी को अगर करोड़ों लोग चाहते हैं तो उसमें से आप ही हैं और आपका भी फैन फॉलोइंग है, आपके भी व्यूअर है, आपके भी चैनल पे दुनिया सपोर्ट करती है, तब आप इतना बड़े हो गए। तो मेरे कहने का मतलब कि छोटा छोटा अगर कर्ज जुड़ जाए तो बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है। इसीलिए हम लोगों ने कोशिश की है, इस संघर्ष को सिर्फ हम लोगों ने इंडिया में नहीं बल्कि विदेशों तक शुरू सिर्फ इसलिए किया ताकि हम हिंदी फिल्मों में देखते हैं, साउथ की फिल्मों में देखते हैं कि बड़े कैनवास की चीज़ें होती हैं। तो एक प्रोड्यूसर जैसे हमारे रत्नाकर भैया, इसको एक पैसे नहीं लगाए हैं, एक बेटे का जीवन संवारने के लिए, और एक सिर्फ एक बेटा की बात नहीं, अपने भाषा का गरिमा, अपने भाषा का भविष्य क्या है, उसके लिए इन्होंने करोड़ों रुपया झोंक दिए हैं। अभी तक की जितने भी इधर फिल्म बनी है सबसे महंगी फिल्म संघर्ष की है, क्योंकि विदेशों के धरती पे शूट करना बड़ा कम जॉब होता है, वहाँ होटल कम से कम 10,000 का एक होता है, अब वहाँ खाए पिए में तो हमने के एक आदमी खाने में 20 आदमी खा लिया, ऐसी स्थिति होगा। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत की। मेघाश्री का एक किस्सा बताता हूँ। हम लोग बीच समंदर में शूट कर रहे थे, इनको कपड़ा चेंज करना था, और एक टापू था जिसमें कांटे वाले जंगल थे, उसमें घुस नहीं सकता था आदमी, लेकिन इस एक्टर ने वहाँ जाकर कपड़ा चेंज किया। उस दिन से मैं इनका सम्मान मेरे मन में बहुत बढ़ गया, और ये बात सबने देखी कि उस कांटों में जाकर भी ये लड़की कपड़ा चेंज करके होटल नहीं गई। तो एक कलाकार अपने काम को आप सबके मनोरंजन के लिए इतना मेहनत करता है। तो मैं यही कहूँगा आप सबसे कि प्लीज़ आप लोग संघर्ष में जैसे सिनेमा को इतना प्यार और आशीर्वाद, और अपने भाषा से अपने न्यूज़ के थ्रू लोगों तक ऐसे मैसेज पहुँचाइए, क्योंकि ये सिर्फ मेरे बच्चों की बात नहीं है, ये हिंदुस्तान के हर उस बच्चे का कहानी है जो अपने पिता और माँ से दूर होकर मोबाइल को अहमियत दे रहे हैं, वो मोबाइल से कनेक्ट हो गया है। तो इसलिए हम लोगों ने इस सिनेमा को किया है ताकि हमारे बच्चे मोबाइल से दूर हो जाएँ और हमारे पास रहें, ताकि वो आने वाले भविष्य में, आज हम जवान हैं तो ठीक है, हमें चीज़ें समझ में नहीं आती, लेकिन जब हम बुजुर्ग हो जाएंगे तो यही सारी चीज़ें, यही बचपन, यही चीज़ें हमारे बच्चों के दिमाग में रहेगी कि पापा हमें कितना प्यार करते थे यार। नहीं तो वो टेक्नोलॉजी की तरफ जाएगा, उसकी ख्वाहिशों को पूरा कर लिया। हम मोबाइल देते हैं, वो गूगल से 1 मिनट में जो चीज़ मांगता है उसको ले जाती है, तो आप कोशिश करिए कि वो आपसे मांगे, गूगल से नहीं मांगे। उसको खेलना है तो वो खिलौना आपसे मांगे, गूगल से। तो ज़िंदगी में इसीलिए हम लोगों ने संघर्ष क्यों को बनाया, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य, क्योंकि मैं अपने घर में देखा तो मुझे लगा कि नहीं, हमें इस देश पे काम करना चाहिए। और फिर हम लोगों ने रत्नाकर सर को सलाह दिया, फिर पराग पाटिल जी से हम लोगों ने सबने मिलकर, लेकिन बिग बजट की फिल्म थी तो कोई प्रोड्यूसर हाथ नहीं लगा रहा था, तो फिर हम लोगों ने अप्रोच सर को किया, सर ने बोला कि नहीं, जहाँ हमारे देश के भविष्य के बच्चों के भविष्य का सवाल है, वहाँ अगर 2-4-5 करोड़ रुपये डूब भी जाएगा तो हम लगा देंगे बाद में, लेकिन आप लोग ईमानदारी से काम करिए, इसलिए हम लोगों ने किया है। तो मैं सब आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, इसीलिए मैंने इस सिनेमा को करने में अपनी जान तक का परवाह नहीं की। 30,000 गहरा वो पानी था समुद्र में, और मैंने आज तक उद्देश्य क्या होता है पूजा ये जो बोल रही है थोड़ा सा अंग्रेजी में प्रॉब्लम है भाई, तो आप सबको पता है, तो जब अंग्रेजी होता है तो मैं किसी और को सहारे ले लेता हूँ। तो इसलिए मैं आज तक चलाया नहीं था उसको, मैंने गोवा एक बार गया था तो मैंने देखा था,
लेकिन सर अचानक से 20 मिनट के अंदर कोई आदमी उसको उड़ाने लगा। मुझे उसके लिए मेरी वाइफ से डांट भी पड़ी, क्योंकि मेरी वाइफ, मेरी बेटी, मेरा बेटा, हम चारों गए थे उस शूटिंग में। सर ने खुद ही बोला, पहली बार मैं अपने बच्चों के साथ आऊँ तो इंडिया गया, उसके बाद मैं लंदन लेके गया, चंदा को भी लेके गया, उसे भी अच्छा लगा कि चलो मेरा पति सुधर गया पहले से। कोई भी पत्नी कहेंगे कि नहीं भाई, चलो सफ़र कर रहा है उसके साथ तो अच्छी बात है, अब 17 साल का सफ़र है उसके साथ, अब वो मेरी प्रेरणा है। कहीं ना कहीं उसने मुझे बहुत ताकत दिया है, नहीं तो गलती ना हमने भी बहुत की है। बाद में मुझे समझ में आया कि यार ज़िंदगी में हर वक्त तो मैं दुनिया को वक्त देता हूँ, और यही वक्त है कि इसको भी देने की ज़रूरत है। बुढ़ापे में इसके अलावा मेरे पास ये नहीं रहेगा, तो बुढ़ापे में हम अपने देखे क्या करो, कोई मतलब नहीं खेल का। इसलिए आज मैं भी वक्त देता हूँ, और आप लोग भी अपनी फैमिली और अपने माँ बाप को हमेशा वक्त दीजिएगा। ज़िंदगी में वो कभी दुखी नहीं हो सकता जो अपनी माँ को डेली फोन करके पूछता है कि मम्मी तुम कैसी हो, पापा आप कैसे हैं, क्योंकि उनसे बड़ा ताकत आपके धरती पे कोई हो ही नहीं सकता। तो हमेशा कोशिश करिए अपने माँ बाप को अपने सुबह उठते ही पहले बोलिए मम्मी प्रणाम कैसी है, क्योंकि माँ बाप जिंदगी के सबसे अमूल रत्न होते हैं। हमें पढ़ना बताते हैं, हमें चलना बताते हैं, हमें बोलना सिखाते हैं, तो पहला हमारा मास्टर वही है। इसलिए मैं संघर्ष की बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग हर वो आदमी अपने आज के डेट में बच्चों से जुड़ रहे हैं, उसको मोबाइल से आप जोड़ दिए हैं, और हर बच्चा आज गेम खेलने में तबाह है, अपने पापा के साथ कोई नहीं खेल रहा है। तो इसलिए मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अपने बच्चों को संघर्ष को दिखाइए, अपने बीबी को दिखाइए, सबको दिखाइए। रीजन इसलिए ताकि अगर आपका बच्चा, ताकि आप उसको बता सकें कि बेटा देख मैं तुझे प्यार करता हूँ। इसमें कम से कम गेम खेलने से बच्चे, इसमें लाखों बच्चे आज मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं, कहीं ना कहीं उनको गेम के तहत वो चाहते हैं कि कई सारे बच्चे छत से कूद जाते हैं गेम के तहत, कई बच्चे अपने माँ बाप का कत्ल कर देते हैं सिर्फ मोबाइल का देने में। हम उसी लिए ये सारे मुद्दे के साथ इस सिनेमा को बनाए हैं, और पराग जी ने बहुत अच्छा डायरेक्शन दिया था, तो जवाब ही नहीं, उन्होंने मेरे साथ जितनी भी फिल्म की है सारी सुपरहिट है, चाहे वो संघर्ष वंश से हमारी शुरुआत हुई थी, उसके बाद लिट्टी चोखा, आशिकी, संघर्ष टू, तो लगातार अभी गॉड फादर इन्होंने मेरे साथ बनाई, तो लगातार अभी राजा राम करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने बेहतर सिनेमा के साथ अपने जीवन को चलाने की कोशिश की। अगर आप सबका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हम इतना भी कुछ कर लेंगे, हम सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह आज साउथ के लोग अपने भाषा के लिए, देखिए हमारा भाषा, हर मीडिया के लोग ये बोलती है कि हमारा भाषा इतना प्यारा है, तो अगर अपना भाषा इतना प्यारा है तो उस भाषा के लिए हमें वक्त को देना पड़ेगा ना। अगर हम अपने भाषा को वक्त ही नहीं देंगे तो प्यारा बोलने से प्यारा नहीं होगा, उसको हमें दुनिया में बताना पड़ेगा कि हाँ ठीक है हमारे पास 50 हॉल है, लेकिन हम 50 हॉल में कम से कम 10 करोड़ कमा सकते हैं। तो सब मिलकर अगर हम सपोर्ट करेंगे तो ये मैसेज दुनिया को जाएगी, तो एक से लाख फाइनेंसर हमारी भाषा में आएंगे, हॉलें बढ़ेगी, थिएटर खुलेंगे, बहुत सारी चीज़ें होगी। इसलिए मैं चाहता हूँ जितने भी हमारे दर्शक हैं, ये जितने भी यूट्यूबर हमारे भाई हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, आप सबके माध्यम से जितने लोग मुझे देख रहे हैं, चाहे मेघा जी को देख रहे हैं, भरनागर सर को, माही को, या हमारे विराट पाटिल सर को, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग एक बार संघर्ष जहाँ भी लगी आप सबके नज़दीकी सिनेमा हॉल में, आप प्लीज जाइए और अपने बच्चों के साथ जाइए, ताकि आपका बच्चा मोबाइल से दूर होके आपके पास रहे और आपसे चिपके मोबाइल से, बस यही रह गया।